सूझबूझ से आग पर नियंत्रण संभव। भंडारी अग्निशमन अधिकारी ने साझा किए बचाव के तरीके। अग्निशमन द्वारा आयोजित जागरूकता अभियान, खबर सितारगंज से। उत्तराखंड अग्निशमन के अंतर्गत सितारगंज फायर के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी दुर्गा सिंह भंडारी और वरिष्ठ समाजसेवी महेश मित्तल के तत्वाधान में श्री रामलीला मंच पर आग से बचाव के तरीकों पर व्यापारियों और आम जनमानस के साथ फायर के अधिकारियों ने मंच साझा किया। दुर्गा सिंह भंडारी ने बताया, सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाना संभव। तीन प्रकार की श्रेणी में आग को रखा गया। सिलेंडर पर आग लगने की स्थिति में घबराएं नहीं, तुरंत रेगुलेटर को बंद कर दें। किसी भी प्रकार की आग की स्थिति में आग बुझाने के सिलेंडर का प्रयोग कर उस पर काबू पाया जा सकता है। अग्निशमन अधिकारी ने डेमो द्वारा भी लोगों को आग पर नियंत्रण पाने के तरीकों को दिखाकर समझाया। अक्सर छोटी छोटी भूल के कारण आग लगने की घटना घटित होती है। छोटी आग कुछ गलतियों के कारण विकराल रूप धारण कर लेती हैं। हमें छोटी सावधानियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इन सावधानियों से आग पर काबू पाया जा सकता है और हिंसक होने से रोका जा सकता है। उन्होंने बताया, आग लगने पर हताश होने के बजाय सूझबूझ से काम लें। इस मौके पर महेश मित्तल, रमेश गोयल, नीटू तनेजा, रघुवीर अग्रवाल, पवन बड़सीवाल, राजेश झाम, पवन गुप्ता, राजेश जिंदल, सर्वेश सक्सेना, चंचल अग्रवाल, सौरभ सिंगल आदि उपस्थित रहे। अभियान के तहत जो है जनता को जहां पर सकरी गली है वहां पर हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें जो है कैसे हम आग को कम कर सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये जन जागरूकता अभियान चलाया है। इसमें हम जनता को जो है जगह जगह जाकर संस्थानों में या अपने जो होटलों में या कहीं जो वैसी चीज जगह हैं तो उनमें जाकर हम जागरूक कर रहे हैं कि कौन सी आग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बुझा सकते हैं। मैं फायर ब्रिगेड के जो हमारे अधिकारी हैं भंडारी जी, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने माध्यम से हम सभी व्यापारी भाइयों को, हम सभी नागरिकों को जागरूकता के रूप में यहाँ पर जानकारी दी है कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अब दीपावली का हमारा त्यौहार आ रहा है और इस त्यौहार के मद्देनज़र जो है कहीं भी अग्नि जो है पटाखों के माध्यम से, कोई दिए जलाते के माध्यम से कहीं भी कोई अगर आग लग जाती है तो जिनके इक्विपमेंट हैं ए बी सी तीन प्रकार के जो अग्नि के लग जाने पर जो यंत्र काम आते हैं उनके बारे में इन्होंने विधिपूर्वक सबको जानकारी दी है कि किस प्रकार से हम लोग आग बुझाने में स्वयं सार्थक हो सकते हैं। और हमको घबराना नहीं है किसी भी आग की परिस्थिति में। अगर घरेलू सिलेंडर के अंदर आग लगती है तो उसके रेगुलेटर में आग लगती है। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से समझाया कि आज बाकी मामलों को समझ में आए कि अगर घर के घरेलू सिलेंडर के अंदर आग लगती है तो उसको हम कैसे बुझा सकते हैं। तो बहुत अच्छा इनका जो है जागरूकता अभियान था और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार का कि उनके माध्यम से इस तरीके के कार्यक्रम जो है समय समय पर आयोजित किए जाते हैं हम लोगों को जागरूक करने। खबर भारतवर्ष के लिए सितारगंज उत्तराखंड से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।